नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। 24 की चॉइस में आज मैं जा पहुंचा हूं काका हाथरसी के नाम से जाने जाने वाले शहर हाथरस में। जी हां, हाथरस लोकसभा सीट की बात की जाए तो अलीगढ़ और मथुरा की कुछ तहसीलों को जोड़कर हाथरस ज़िला बनाया गया था और तभी से यह सीट ब्रज क्षेत्र की एक अहम सीट मानी जाती रही है। इस सीट पर 5 विधानसभा आती हैं, जिस पर 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और 1 पर रालोद का कब्जा था पिछले चुनाव की अगर बात की जाए। लेकिन अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 1991 के बाद से लेकर लगातार यहां पर भाजपा का परचम लहराता रहा है और इस बार फिर से भाजपा एक बड़ी जीत यहां से चाहती है। लेकिन एक बड़ी चुनौती यहां सबके सामने है, क्योंकि इस बार जितने भी लोकसभा सीट से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो पहली बार चुनाव मैदान में हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या सपा बसपा गठबंधन की, कांग्रेस गठबंधन की बात की जाए, बसपा की बात की जाए। लेकिन अब देखने वाली बात ही होगी कि हाथरस की जनता क्या कुछ चाहती है, ऐसे में वो किसे चुनती है, किसे शिखर तक पहुँचाती है। ये 24 की चॉइस में जानेंगे और आज चलेंगे हाथरस की कुंज गलियों में, व्यापारियों से बातचीत करेंगे, उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे और यहाँ की लोगों से भी जानेंगे कि उनकी 24 की चॉइस क्या है। 24 की चॉइस में हम हाथरस के शहीद पार्क में पहुँचे हैं और शहीद पार्क जो चौराया है यहाँ पर तमाम बाजार है, तमाम लोग हैं और इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का मन क्या है। जाहिर सी बात है कि जब सड़कों पर होते हैं, चौराहों पर होते हैं, इन्हीं लोगों से सही राय जानने को मिलती है। चाचा, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, हाँ जी। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है? हाँ, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? अब मोदी का लग रहा है सब, मोदी का लगा हुआ। अच्छा, प्रत्याशी तो सारे नए हैं? नए हैं, फिर भी हम मोदी को ही हैं। अच्छा, आप भी बता दो भाई साहब, क्या कब से बना रहे हो जूस? हमें तो होगी 8-9 साल। 8-9 साल यहीं पर ही? हाँ, यहीं पर होगी। इस बार क्या लग रहा है? और जनता के ऊपर है, क्यों किसको जिताए? जनता तो तुम ही हो, तभी तो हमारे वोट से क्या जीत जाएंगे? एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले तो वोट डालने जाओ, डाल जाओ। हाँ, डाल जाएंगे। अच्छा, तो किसको डालोगे इस बार? हम तो आपके देंगे या कांग्रेस? कांग्रेस भला गठबंधन को दोगे? हाँ। तो क्या भाजपा काम नहीं करा रही क्या? है नहीं तो ऐसा चेंज होनी चाहिए ना सरकार। चेंज बदलाव चाहते हैं आप? हाँ। चाचा, आप लोगों से बात कर सकते हैं हम लोग? सब बढ़िया, यहीं के रहने वाले? हाँ, नहीं सब नहीं गए। अच्छा, तो क्या चल रहा है इस बार हाथरस में? चुनाव हो रहा है? चुनाव बराबर सही है, बीजेपी को अल्लाह है ना? तो हेलो, बीजेपी का अल्लाह है? हाँ, सुनने में आ रहा है कि सब बाहर से आए, सब अलग अलग। अरे वो तो है अलग अलग, पर लाभ तो बीजेपी यही ज्यादातर। हाँ, चाचा आप बताइए आपको क्या लगता है? जो बताया ने वो सब है, वही है बढ़िया है। भाजपा यहाँ तो कई साल से भाजपा है, कई इलेक्शन से भाजपा, कई इलेक्शन से भाजपा है ही। लेकिन अभी इस बार जो पहले जहाँ से चुनाव लड़े थे सांसद जो थे, उनका टिकट काट दिया कुछ? नहीं, उनका टिकट तो ठीक काटा है ना भाई, वो यहाँ कम आते थे तो इसलिए लोगों में नाराजगी थी, तो ये काटा है टिकट, तो किसी आधार पर काटा है। नाम धान का दिलेर? क्या नाम? राजवीर सिंह दिलेर। हाँ, इसलिए उनका नाम काटा है। ठीक है, आप भी भाजपा? हाँ, भाजपा। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। 400 से पार, बहुत बढ़िया। हाथरस नगरी है, बहुत बढ़िया नगरी है हमारे गुड्डू हाथरसी की। काका हाथरसी की नगरी है, निर्भय नगर, निर्भय की नगरी है, कवियों की नगरी है, हाथरस नगरी कवियों की नगरी है। तो इस बार चुनेंगे भाजपा ही जाएगी 400 से पार, भाजपा जिंदाबाद। आप भी बता दीजिए। यही भाजपा है, मगर ये बीजेपी ने ये कार्य गलत किया है कि ये सांसद जो है बाहर था है। सांसद यहाँ का होना चाहिए भाई, यही काम गलत किया है। बीजेपी ने क्या सारे जितने भी टिकट है वो सब बाहर के सारे के? नहीं, सांसद एक बार यहाँ का तो होना चाहिए कम से कम, तो यहाँ की देखभाल करे, और बीजेपी बाहर है सर। सही बात है, जो शहर को समझ है भाई, यही काम गलत किया है कि सांसद बाहर का है। ऐसा है, बीजेपी पार्टी धरती धर्म मचाना है तो बीजेपी को भारत से बाहर भगाना है। इन लोगों ने अभी अभी 1 करोड़ परीक्षा कराई थी, 60 लाख विद्यार्थी परीक्षा कराई थी यूपी में, आरओई परीक्षा कराई थी, 1 करोड़ विद्यार्थियों पर की परीक्षा नहीं कराई इन लोगों ने। उसमें 2 लाख विद्यार्थी ऐसे थे जो कर्ज करके पैसे लेके गए थे। क्या यही बीजेपी सरकार है? इन लोगों ने लूटा है, देश को लूटा है और धर्म को उत्पीड़न कर रहे हैं लोग। हमारी सरकार सपा की सरकार रहेगी और इन्होंने तो बीजेपी का भारतीय प्रत्याशी ला के खड़ा कर दिया है। यही हमारी इच्छा है, आखिरकार ये हारनी चाहिए देश में से। चलिए भाई साहब, एक सेकंड के लिए बात कर लेते हैं आपसे, नाश्ता करते करते हम बात करते रहिए, कोई बात नहीं, चटकारी लेते रहिए। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी हाथरस में? क्या लग रहा है आपको बीजेपी है 400 पार?
अरे ये अपने बाप दादाओं के नहीं हुए थे, अपने ये जनता के क्या हो जाएंगे बताओ। बाप को ला तुम्हारे कुर्सी से भगा दिया, विपक्ष वाले लोग हैं। सपा की बात करो या किसी की बात करो, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। है बीजेपी यहाँ से तो सपा तो आएगी नहीं कभी। काम कराया है। अरे काम साहब आप देख लिए, बिस्लेवन में झंडा पंचम लहरा रहा, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। मैं पहले कोई जानता नहीं था। इसका कुछ फर्क पड़ेगा आप लोगों पर कि जो प्रत्याशी हैं चाहे भाजपा हो सपा कांग्रेस हो वो बाहर से आए, पहली बार चल रहा है बात, कहीं से भी आ जाओ, मतलब ये पार्टी को वोट मिलेगा, पार्टी को वोट मिलेगा और किसी को देनी। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है काका हाथरस के शहर है, अपने अपने मिजाज है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि हाथरस में मिजाज कोई सा भी हो, स्वाद कुछ भी हो, लेकिन तड़का हींग का ही लगेगा। आई चलिए किसी और जगह, किसी और बाज़ार में और या किसी और का फैक्ट्री में चलते हैं और वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे उद्योगपतियों से कि क्या कुछ हालात यहाँ 24 की चॉइस में जनता के बने हुए हैं। हाथरस में अब हम जा पहुँचे हैं घंटाघर बाज़ार में, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बाज़ार है। सबसे पहले आप घंटाघर की तस्वीरें देख लीजिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। ये सामने हाथरस का घंटाघर बाज़ार है, बहुत घना बाज़ार है, लोग पूरे शहर से यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए पहुँचते हैं, और ख़ास तौर पर ये महिलाओं का बड़ा बाज़ार कहा जाता है। अच्छा, घंटाघर में ही खरीदारी करती हैं आप लोग? हाँ, वहीं खरीदारी करते हैं। यही कहाँ बाज़ार, यही बाज़ार है घंटाघर के बाज़ार है। यही हाँ जी भाई, यही जाते हैं। लोग बाहर से आए हैं अभी नोएडा से, हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार हाथरस में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। पता चलेगा जब वोट डाले जाएंगे, जब मालूम पड़ेगा कौन जीत रहा कौन जीतेगा ना। वोट डालने जाओगे? हाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, वोट डालने जरूर जाना, जरूर जाएंगे, सबको जाएंगे। अच्छा तो क्या इस बार कौन जीत रहा है? अब पता चला, अब ऊपर वाला जाना है, वो हम लोग जा रही है, वो जीते। मेरा मन में ये वही मोदी जीते, वो कौन जीते, हमारी तो तरफ से वो ही सरकार है। हाँ अच्छा, हाँ काम कर, हाँ वो आप बताओ, वो तो यही जीतेगा। अब जो बताओ के हर एक चीज़ पर तेज आई है, हैं, और मेहनत पे पैसा बढ़ रहे नहीं है, ये कम होना चाहिए। और का कौन करेगा कम? अरे और ना है तो नाच पानी पे जा पाए तो थोड़ी घनी मददाई होनी चाहिए। तो राशन तो दे रहे हैं, राशन का दे रहे हो, गर्मी बाहर खाओगे? अच्छा पूरा नहीं मिल रहा क्या? बाहर मिल रहा, बाहर को खराब आके मरा हुआ गर्मी में खाएगा बाजरा? चार किलो गेहूँ दे रहे, वोट तो भाई जाओ, चार किलो गेहूँ दे रहे और पाँच किलो बाजरा दे रहे, चार बाजरा खा के मरेंगे अब। बाजरा खा के मर जाएंगे लेकिन वोट दिए जब देंगे, जब कछु कछु करेगा, कछु महंगाई कम करेगा। चाचा आप बताइए क्या लग रहा है इस बार आपके हाथरस में, क्या कुछ खास? हाथरस में तो बीजेपी के अलावा कोई टक्कर में नहीं है, ये बीजेपी का ठोस क्षेत्र है, गढ़ कहा जाता है, गढ़ है। और यहाँ यहाँ कोई कुछ भी कर ले। अच्छा यहाँ जो है थोड़ा सा ये था कि बीजेपी ने बाहरी कैंडिडेट को खड़ा किया है, लेकिन वो अब न्यूट्रल इसलिए हो गया कि समाजवादी पार्टी ने देवबंद का लाके यहाँ खड़ा किया, तो वो तो और भी दूर का है। हाँ तो बात बस सारे प्रत्याशी बाहर गए, बसपा ने आगरा का खड़ा किया है, तो ये फिर भी नज़दीक का है अलीगढ़ का, तो ये पॉइंट यहाँ न्यूट्रल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ कोई टक्कर वक्कर नहीं है, यहाँ तो बीजेपी साफ है। आप बताइए भाई साहब कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या चल रहा है हाथरस में? बढ़िया हाथरस हमेशा से। थोड़ा चलते चलते बातचीत करते हैं। बिल्कुल आइए आइए आइए, थोड़ा आगे आए और हम चलते चलते बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको? पिछली बार 4 लाख से जीते थे, इस बार शायद 5 लाख से जीत जाए। यहाँ जीत का अंतर हमेशा भाजपा की परंपरागत सीट रही है, यहाँ कभी भाजपा हारी नहीं है। और गठबंधन के समय यहाँ एक बार लोकदल से प्रत्याशी यहाँ MP रही हैं, सारगा सिंह बघेल। तो मेरा ये मानना है कि भाजपा के लिए ये यहाँ की डगर बहुत आसान है, किसी को भी भेज दें, चेहरा कोई भी हो, वोट केवल शीर्ष नेतृत्व के नाम पर मिल रहा है। लोकल प्रत्याशियों को जीतने के बाद भी यहाँ कोई नहीं रहता, विधायिका हैं वो भी बाहर से हैं और सांसद भी बाहर से होंगे, तो मुझे नहीं लगता वोट ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। इस बार तो दोनों ही तीनों पार्टियों के जो सांसद हैं वो बाहर से ही हमें
हाँ, बसपा प्रत्याशी भी बाहर से हैं और सपा प्रत्याशी भी बाहर से हैं, तो बाहरी और लोकल का कोई यहाँ मुद्दा नहीं है। यहाँ शीर्ष मतलब जो केंद्र में और यूपी में डबल इंजन की सरकार है उसने जो काम कराए हैं योगी मोदी के चेहरे को देखकर, यहाँ जो भी वोट है वो योगी मोदी को देखकर है और राम के नाम पे है, बस ये यहाँ का मोटिव है। चलिए देखिए चाचा से एक बार बात कर लेते हैं, क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम तो गिरिराज किशोर है, आप बताइए। सर हम लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि हाथरस में मिजाज क्या है, जनता क्या चाहती है, चुनाव आने वाले हैं जी, क्या कुछ लग रहा है आपको, कोई अच्छी पार्टी है कि हमें इसको वोट देना है? नहीं, बीजेपी है अच्छी पार्टी, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी तो गढ़ रहा है क्या हाथरस का? हाथरस जी जी, लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट उतारता है वो आदमी जो है वो हाथरस का नौकर बाहर का है, वो क्या सेवा कर पाएगा हाथरस की चुनाव होने के बाद? एक बड़ी बात है, मैं सबसे यही सुन रहा हूँ, जो क्या सेवा है, क्या सेवा कर पाएगा वो, ये बताइए, वो अपने इलाके में रहेगा, यहाँ का क्या सेवा कर पाएगा? ये एक माइनस पॉइंट है, इस पर विचार करना पड़ रहा है पब्लिक को कि क्या करना चाहिए हमको। इससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्यों नहीं दिक्कत हो सकती है? आदमी को जब तक कोई काम लोकल आदमी बॉडी हो तो वह सुनेगा, कोई परेशानी है तो आम पब्लिक कह भी सकती है, ये वाली बात है ना। तो सही कह रहे हैं आप, ऐसा आप यही रहते हैं हाथरस? हाथरस तो क्या लग रहा है इस बार युवा किस तरफ जा रहा है? बीजेपी प्रॉपर प्रॉपर 100%, जो MSME लागू की है, जो GST लागू की है, जिस तरीके से उस तरीके से सरकार व्यापारियों के हित में है, ना हित में नहीं है, प्रॉपर तरीके से बीजेपी ही आएगी और किसी सरकार को हम वोट देंगे भी नहीं। तो ये देखिए, युवाओं का भी कहना है, व्यापारियों का भी कहना है, महिलाओं का भी कहना है कि चाहे कुछ भी हो, हाथरस बीजेपी का गढ़ रही है और हाथरस एक बार फिर से यहाँ से बीजेपी जीतेगी। चलिए और आगे जानने की कोशिश करेंगे और आगे चलेंगे हाथरस की कुंजगलियों में और यहाँ पर देखेंगे कि हाथरस का मिजाज क्या है, हाथरस का स्वाद क्या है। तो हाथरस के घंटाघर के बाजार से हम जनता की च्वाइस जानते जानते अब हम आगे बढ़ेंगे और कहते हैं कि हाथरस की रबड़ी बड़ी मशहूर है और इसी रबड़ी की दुकान पर हम चलेंगे, जैसे हन्नूलाल रबड़ी वाले कहा जाता है। तो आप हाथरस के रहने वाले हैं? जी, हाथरस के रहने वाले हैं। इस बार क्या लग रहा है सर यहाँ चुनाव वुनाव में? सुनने में आ रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो बाहर से आए हैं, दूसरी पार्टी के प्रत्याशी भी बाहर से हैं, तो क्या मुश्किलों से मतलब इस बार लग सकता है कि भाजपा जो लगातार अपना दम यहाँ पर दिखाती है इस बार कुछ कमज़ोर पड़ेगी? नहीं, हमेशा जैसे जिस तरीके से देखा जा रहा है भाजपा का अच्छा रहा है, और अगर दोनों ही प्रत्याशी बाहर के हैं और इस समय जो पूरी हवा है राम मंदिर को लेके या 370 को लेके, तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि भाजपा के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और अच्छे ही वोटों से बहुमत से विजयी होगा यहाँ का प्रत्याशी। यहाँ की रबड़ी बहुत फेमस है, जो हन्नू रबड़ी वाले हैं। रबड़ी का ही स्वाद लेने हैं, इससे मैं चल रहे हैं। हाँ अच्छा, आप रबड़ी का स्वाद लेने जा रहे हैं? कितनी दूर यहाँ से पड़ेगा अभी हम जहाँ जा रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर के आसपास होगा जो यहाँ पे है रबड़ी के, लेकिन रबड़ी बहुत फेमस है, दिल्ली तक और बाहर बाहर तक दूर तक यहाँ से लेके जाते हैं सभी लोग। चलिए चुनाव के साथ साथ रबड़ी का भी स्वाद ले लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, तो देखिए हम लगातार बातचीत कर रहे थे यहाँ पर और अब हम यहाँ पर जा पहुँचे हैं हन्नूलाल रबड़ी वाले पर और वहाँ उतर कर बातचीत करेंगे। यहाँ क्या कुछ खास है, रबड़ी का स्वाद कैसा है ये भी जानेंगे। और ये देखिए आप, मशहूर हन्नूलाल की दुकान है, भीड़भाड़ लोग रबड़ी खाने के लिए आया, आप लोग भी रबड़ी लेने खाने आए यहाँ पर? हाँ। क्या प्रसिद्ध है यहाँ पर, क्या रबड़ी फेमस है? फेमस है। हाँ जी। चुनाव में इस बार क्या चल रहा है यहाँ पर, कौन जीतेगा? बीजेपी है। बीजेपी है, बीजेपी को महिलाएं बहुत पसंद कर रही है, आखिर ऐसा कुछ खास और कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल? ऑप्शन नहीं है, महिलाओं के लिए काम क्या, योजना अच्छी है? हाँ अच्छी। तो आप लोग हाथरस के रहने वाले हैं? हाथरस के रहने वाले हैं, लेकिन अलीगढ़ से आई हूँ मैं फिलहाल। अलीगढ़ से वोट इस बार बीजेपी का जाएगा। चलिए, आपका क्या शुभ नाम है सर? हरिमोहन। हरिमोहन जी, कितनी पुरानी दुकान है? लगभग 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। अच्छा, मैं सुनता चला आ रहा हूँ कि हाथरस में आप जाएंगे तो हाथरस की रबड़ी जरूर खाना। क्वालिटी है दूध की? क्वालिटी है अच्छी, मात्रा बनती है और कहीं बनती भी नहीं है। मेन जो है इसमें रबड़ी में क्वालिटी मेंटेन की हुए हैं, उससे ही टेस्ट जाकर बना हुआ है। लोग वहाँ प्यार है। सुबह से शाम लगातार? हाँ, सुबह से नंबर लग जाता है, 9 बजे से बनने का, शाम तक बनती है। दुकान पर लोग रबड़ी लेने आते होंगे तो चुनाव पर बातचीत भी करते होंगे, देखो खुले हम सबों को पता है बीजेपी का ही रंग है यहाँ तो। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है? हाँ गढ़ कहा जाता है, लेकिन बीजेपी का ही गढ़ है यहाँ तो, और कोई पार्टी भी नहीं है, सामने पक्ष में कोई है भी नहीं है,
मुकटा भी नहीं है सामने वाला कोई, अगर कोई हो ऑप्शन नहीं है। आप यहीं रहने वाले हैं? हाँ यहीं के रहने वाले हैं हम। क्या नाम है आपका? निखिल अग्रवाल। निखिल क्या लग रहा है इस बार? इस बार बीजेपी की सरकार आएगी और क्या लग रहा है? बीजेपी। हाँ बीजेपी आएगी। कोई नहीं है टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ बीजेपी। जय श्री राम। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप लोग बात करेंगे भैया? नीली वाली। क्या लग रहा है इस बार व्यापार में? बस बीजेपी, बस बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। जिससे बात कर रहे हो बीजेपी बोल रहा है, बीजेपी के गाड़ा टूट रहा है? बीजेपी का गाड़ा है और बीजेपी ही होगी। काम कराया बीजेपी ने? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल कराया है, बिल्कुल कराया है, कराया है और कराएंगे भी, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी ही आएगी, बीजेपी का ही पूरा सपोर्ट है। मैडम आपसे बात कर सकते हैं? हाँ जी बोलिए। क्या लग रहा है इस बार आपको? मैं तो रबड़ी का स्वाद चख रहा हूं, आया तीन बार फोन कर रहा है कि बड़े अच्छी रबड़ी है। क्या लग रहा है चुनाव में? क्या लग रहा है चुनाव? वही है बीजेपी है, वही जीतेगी और क्या है। बीजेपी? हाँ जी और क्या, उसी का ही डंका बजा हुआ है इस टाइम। बीजेपी काम करा रही है योगी मोदी के चेहरे पर? आप नहीं, नहीं काम तो है, दिख रहा है वो तो पर्सनली कि हाँ लोगों के साथ मतलब अच्छा काम कर रही है सरकार, और बाकी मोदी की आवाज़ ही काफ़ी है लोगों के लिए, जो बोलते हैं जनता सुनती है और उस पर अनुकरण भी करती है उनका। महिलाओं के हित में भी काम? हाँ महिलाओं के हित में कार्य कर रही है जनता, जनता के लिए भी, सबके लिए अच्छा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए ये हाथरस में हम रबड़ी का स्वाद भी ले रहे हैं बीच बीच में, और यहाँ पर पहुँचे थे और कहते हैं कि इनकी रबड़ी खाने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं।